सो हाय एवरीवन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि यार कोडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, फुल स्टैक हो गया, करीबन 2 लाख से ऊपर जॉब्स हैं जिनके द्वार अगर आप खोलना चाहते हो स्मॉल साइज, मिड साइज, बिग साइज कंपनीज के लिए, तो जनाब आज के दिन मार्केट की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, आप अगर अपने सीनियर से पूछोगे, ऑलरेडी थर्ड फोर्थ ईयर में भी और होंगे, ऐसे ऐसे कॉलेजेस जो कि अच्छे IIITs हैं, अच्छे NITs हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को भी सिर्फ ऑन कैंपस पे वो डिपेंडेंट नहीं है आज के दिन, वो साथ साथ में ऑफ कैंपस और रेफरल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर कंपनीज की आज के दिन क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट अभी पिछले 1-2 साल में ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो कंपनी कह रही है कि यार हम सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको नहीं लेंगे, आपकी क्या डिग्री है उसके बेसिस पे सिर्फ शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा, साथ में देखा जा रहा है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किस किस स्किल का है। हमारे दिमाग में एज अ स्टूडेंट कई बार बच्चे डाउट भेजते हैं कि भैया मैं अपने रिज्यूमे के अंदर क्या लिखूं, नाम लिख देता हूं कॉलेज, स्किल्स के अंदर क्या लिखूं, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या लिखूं, वही कंपनी अब आपसे चाहती है। अपना कॉलेज ने इस साल करीबन यार हजारों स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट यार ये आपसे माध्यम से लगी है, चाहे वो प्लेसमेंट हो गई चाहे इंटर्नशिप हो गई, और हमारा फेथ है कि इस साल और अगले साल हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे होंगे। और हम यार थोड़े महीने पहले लेकर आए थे वेब डेवलपमेंट बैच का बैच 1 विच वॉज डेल्टा, और आज हम लेकर आ रहे हैं डेल्टा 3 जो कि वेब डेवलपमेंट बैच हो रहा होगा। 4.5 महीने की यार हम तपस्या कर रहे होंगे और आपकी श्रद्धा मैम आपको वहां पढ़ा रही होंगी, और इस बार जो डेल्टा बैच है वो और भी बड़ा और भी पावरफुल हम बना रहे होंगे, क्योंकि कुछ नए एड ऑन्स आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि यार हमारी जो जर्नी है वो और स्मूथ हो पाए और स्ट्रक्चर्ड हो पाए। आपके पास एक चीज बड़ी कम है और वो है टाइम, तो कैसे कम टाइम के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम अपना मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ पाए। कंपनी जो मांग रही है मार्केट के अंदर जो करंट टेक्नोलॉजी और हमें जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, पर यार हमें ये करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को कंपनीज के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला जो एक डाउट आता है, पहले तो हम वेब डेवलपमेंट का ये जो बैच है ये नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं डेल्टा 3 को, और एज ऑलवेज फर्स्ट 5,000 स्टूडेंट्स के लिए हमने एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप रखी है, और ये वापस नहीं रिपीट कर रहे होंगे यार, एक ही बार हम लेकर आते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पहला डाउट होता है कि ये किस किस के लिए, मतलब हम क्या बनेंगे इसके बाद। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप चाहे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए, तो मैं आज के दिन कहूंगा एक तरह से कंपलसरी चीज हो चुकी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के माध्यम से अभी आपको श्रद्धा मैम बताएंगे कि आपकी यार 8-9 जो टेक्नोलॉजीज है ना उनके ऊपर ग्रिप बन जाती है, और आज के दिन मार्केट के अंदर आप नौकरी के ऊपर चले जाओ चाहे आप कहीं भी जाओगे तो वहां पे कंपनीज क्या पोस्ट कर रही है, वी नीड अ रिएक्ट डेवलपर, ठीक है, हमें कोई ऐसा चाहिए जैसे MongoDB आता हो, हमें कोई ऐसा चाहिए जैसे SQL के ऊपर अच्छी कमांड हो, कोई ऐसा चाहिए जैसे Node.js, Express.js वगैरह जैसी चीजें आती हो, तो ये सारी जब स्किल्स आपके पास होंगी तो आपके कई सारे कंपनियों के द्वार खुल रहे होंगे। ये आज जितनी जल्दी आप अपने आप को इनके लिए रेडी करोगे उतना आप अपने लिए ठीक कर रहे होगे, अदरवाइज हम अपना टाइम डिले कर रहे होंगे। अब सेकेंड चीज होती है इसमें कि भैया कौन कौन पढ़ सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप चाहे BTech स्टूडेंट हो, चाहे आप BCM से स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आपने श्रीलंका से पढ़ाई करी है, चाहे आपने यूनाइटेड स्टेट से पढ़ाई करी है, चाहे आपने हिंदुस्तान से पढ़ाई करी है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो भी व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है और वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है उसके लिए ये चीज है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स हमारे BTech स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। अब अगला आता है कि भाई हम पढ़ क्या रहे होंगे इसके अंदर, क्या क्या हम तैयारी कर रहे होंगे। सिर्फ यार वेब डेवलपमेंट आपको नहीं सिखा रही होंगे आपकी श्रद्धा मैम, साथ में एक रूट होगा, रूट कौन सा कि कंपनीज तक जाने के लिए हमारे बीच में टेक्निकल इंटरव्यू राउंड भी आते हैं, HR इंटरव्यू राउंड भी आते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए काफी सारे कॉन्टेस्ट होते हैं GSOC वगैरह ओपन सोर्स में, हम कैसे और कंट्रीब्यूट करके अपने रिज्यूमे के अंदर कुछ चीजें और एड ऑन कर सकते हैं क्या, साथ में GitHub जैसी और कई चीजें होती हैं। अब मैं सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो श्रद्धा मैम आप क्या बोलोगे, ये आपका पार्ट है ये आप बोलो, तो श्रद्धा मैम अब आपको बताएंगे कि हम क्या क्या सीख रहे हो। तो हमारा जो बैच है उसमें वेब डेवलपमेंट के हमारे 3 मेन पिलर्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस। तो फ्रंट एंड के अंदर हम HTML, CSS, JavaScript जो हमारी 3 कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं, और फिर फ्रंट एंड के ही हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं बूटस्ट्रैप एंड टेलवेंड CSS, आपने एज अ स्टूडेंट दोनों सुने होंगे, हम दोनों को ही कवर करेंगे। फ्रंट एंड के अंदर हम React.js को भी सीख रहे होंगे, बैक एंड के अंदर हम Node.js, Express.js को सीख रहे होंगे, एंड अगर डेटाबेसेस की बात करें तो उसमें हमारे 2 सबसे पॉपुलर डेटाबेसेस होते हैं SQL एंड MongoDB, तो हम SQL को भी सीखेंगे MySQL डेटाबेस के लिए, एंड हम MongoDB
को भी यूज करेंगे। तो सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे नहीं, इनको यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे। फ्रंट एंड की बात करें तो स्पॉटिफाई क्लोन जैसे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज करके साइमन गेम जैसे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होंगे, और एंड टू एंड भी हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, यानी ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें कैसे काम करती हैं। हमारी जो एयरबीएनबी की वेबसाइट है उसी का हम एक इन हाउस वर्जन बना रहे होंगे जिसमें मैपिंग की फंक्शनैलिटी जो होती है एंड उससे भी रिलेटेड काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि एक एंड टू एंड वेबसाइट बनती कैसे है और वो फाइनली जाके इंटरनेट पे डिप्लॉय कैसे होती है कि सारे लोग उसको यूज कर पाते हैं, कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे कोर्स के बारे में, हमारे बैच के बारे में कि हम पढ़ेंगे क्या, बट इसके साथ में हमारे काफी सारे लाइव सेशंस होंगे। लाइव सेशंस के अंदर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, अपना रेज्यूमे हम कैसे बनाएंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी कैसे है जाके, हमें अगर किसी सीनियर से रेफरल लेना है तो उसका क्या तरीका होता है, प्रॉपर तरीका, ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, जीसॉक जैसे जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हो रही होगी हमारे मेंटरशिप सेशंस के अंदर। इन सब का यार एज अ आज के दिन आपको आइडिया एज अ स्टूडेंट होना चाहिए, और आप में से जितने बच्चे फिर अपना पूरा पढ़ाई कर लेंगे तो उनको एक हम सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन दे रहे होंगे। उनमें से एक बच्चे ने क्रैक किया इसरो, ठीक है, और ये बच्चे बड़ा हार्डशिप से निकला था। इसने कहा चंद्रयान का जो मिशन निकला है 3 का, इसके अंदर जो फोटो आई साइंटिस्ट के साथ, इसके अंदर इसकी फोटो है और इसका ये आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट इसने बताया। इसी प्रकार से और कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, एक ने माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब हैकाथॉन रनर अप भी रही थी, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट गिटहब हैकाथॉन है उसमें इंडिया लेवल पे शी वाज द रनर अप एंड फाइनली फर्स्ट डे फर्स्ट कंपनी के अंदर इंटर्नशिप ले ली एंड काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही उनकी। तो कुछ हार्डशिप्स फेस किए बट उनका जो पॉजिटिव आउटलुक था लाइफ की तरफ वो काफी अच्छा रहा। उसके उस स्टूडेंट के इंटरव्यू में मुझे अभी आएगा, अपलोड हो गए, उसने सबसे पहले ये चीज बोली, मैंने है ना अर्ली बर्ड में ले लिया। तो नेक्स्ट मतलब इस प्रकार के यार हमारा अपना कॉलेज के माध्यम से जर्नी का ये उद्देश्य था कि यार जो पहले चीज एक जमाना हुआ करता था यही सारी चीजें सीखने के लिए हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए अपने कॉलेज को देते हैं, पर आज के दिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी हमें वो सारी चीज नहीं मिल पाती जो कंपनी आज के दिन करंट टेक्नोलॉजीज हमसे रिक्वायर कर रही है। तो बच्चे को एक एडिशनल एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा अपने यार 5-7-10 महीने लगाने पड़ते हैं ये चीजें सीखने के लिए, जिससे कि वो प्लेसमेंट रेडी हो पाए और सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। ये टाइम आपका यार, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आपको ही लेनी पड़ेगी स्वयं के लिए। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे लगता है कि यार हाँ मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टाइम ही मेरे पास सबसे कम है और स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए तैयारी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये लगता है, आपको अपने आप से पूछना है क्या मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस है, और अगर आप सीरियस हो और मेहनत पुट इन कर सकते हो तो आप यार आए हमारे साथ, आप आके पढ़ सकते हैं, और आपके जो श्रद्धा मैम है वो आपके एंड से आपसे ज्यादा मेहनत लगा रही होंगी जिससे कि हम इस कलेक्टिव गोल की तरफ आगे बढ़ पा रहे हों। और अगले 4.5 महीने के लिए यार हम तपस्या कर रहे होंगे, और एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि शुरुआत का 1 महीना काफी लाइट होता है, इतने में फिर आपके विंटर वेकेशन आ जाएगा और उसके बाद जनवरी फेब में आपका नया सेमेस्टर होता है तो वो भी लाइट रहता है। तो एक तरह से आपका शुरुआत करके कंप्लीशन तक का जो जर्नी में टाइम है वो आपका ठीक रहेगा। कॉलेज एक ऐसा टाइम है, कभी भी आपको मतलब 150 दिन की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तो आपको चीजें मैनेज ही करनी है, अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि लाइफ आपका है, करियर आपका है, टाइम भी आपको निकालनी है, सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है अभी। तो जो व्यक्ति सीरियस होकर पहले एफर्ट डाल लेगा वो अपने आने वाले जो साल हैं उनके अंदर अपना ज्यादा अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो इसी के साथ आज हम लॉन्च कर रहे हैं डेल्टा का बैच 3, वेब डेवलपमेंट बैच जो है हमारा। और इसके यार एक चीज एडिशनल तो हम बताने भूल गए कि यार आपका इस बार हम एक्स्ट्रा क्या लेकर आए हैं। इस बार यार हम एडिशनल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डाउट असिस्टेंस, और डाउट असिस्टेंस के अंदर क्या है कि आपकी अब एक कम्युनिटी भी हमने बना दी है, और कम्युनिटी के साथ अब आपके टीएस भी होंगे, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो आप पोस्ट करके वहाँ पे अपने साथ में जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ पाएंगे। और कम्युनिटी क्या है, ये बेसिकली डेल्टा कम्युनिटी हम इसे बोलते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ अकेले नहीं, आपको बाकी सारे जब स्टूडेंट्स भी दिखेंगे तो आपको लगेगा मैं अकेला नहीं पढ़ रहा, बाकी भी हूँ और कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो एक हमारा कंसिस्टेंसी और जो एफर्ट है वो हमें इंप्रूव करने में हेल्प मिलता है कि यार हम कोर्स के एंड तक लगातार ये 4.5 महीने का आपको एक डेडलाइन सा मिल जाता है कि टेस्ट के लिए जैसे पढ़ते हैं वैसे इसके भी अंदर हमें पढ़ के अपने आप को निकालना जरूरी है। तो अब हम यार लॉन्च कर रहे होंगे डेल्टा का बैच 3, और सारी की सारी जो और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं क्लास को लेके, अल्टरनेट डे हमारी क्लासेस हो रही होंगी, शाम को 8 बजे क्लास हो रही होंगी, ये सारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, और साथ में जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी सारी डिटेल्स को लेके। और जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए
अर्ली बर्ड ऑफर स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए लेकर आ गए। ये एक बार ही हम लेकर आते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं एक बैच के बाद दूसरे बैच का, तो जल्दी जाके इसका फायदा ले सकते हैं। पर सिर्फ जो सीरियस स्टूडेंट है ना, कोई मैजिक पिल नहीं होगी। आपको आके बैठ के 4.5 महीने, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप दिन का 2 से 3 घंटे की मेहनत पुट इन करोगे। शुरुआत के महीने में हो सकता है आपका 1-2 घंटे की मेहनत से भी काम चल जाए, पर इवेंचुअली 3rd मंथ, 2nd मंथ, 4th मंथ में हम चाहते हैं कि आप 2 से 3 घंटे की मेहनत हमारे साथ पुट इन कर रहे हो। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है समाप्त करते हैं, और मैं चाहूंगा आप एंड करो जैसे आप करते हो अपना कॉलेज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। इसरो में काम करके मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं सोचा नहीं था कभी इसरो तक जा पाऊंगा। प्लेसमेंट से पहले मैं बताऊं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स से पढ़ा है। आपको स्ट्रक्चर चीज मिल गई, आपसे रैंडमनेस वाली चीज हट गई कि यार आज ये कर लेता हूं, आज वो कर लेता हूं। कोर्स तो पूरा एक ऐसा, मतलब मूवी वगैरह नहीं देखते क्या, मतलब वैसे ही लग रहा था सही में। वो कंसिस्टेंसी बढ़ते जा रही, मतलब रोज वीडियो देखना है या फिर आज नहीं हो तो अल्टरनेटिव भी देखना है, कुछ ना कुछ करना है।